एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का नाम साउथ के मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार है। रश्मिका इन दिनों हाल ही में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई हैं। फिल्म पुष्पा में गरीब आम लड़की का किरदार निभाने वाली रश्मिका असल में करोड़ों की मालकिन है। रश्मिका मंदाना रियल लाइफ में एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जीती है। सुहा दोस्तों आपको बता दे की रश्मिका मंदाना बेहद ही लग्जरी लाइफ स्टाइल जीती है। रश्मिका मंदाना काम के सिलसिले में अब मुंबई में ही रहती है। वैसे मीडिया रिपोर्ट की माने तो रश्मिका मंदाना के पास कर्नाटक में एक आलिशान घर है। इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है और यहाँ पर जरूरत के लिए सभी सुख सुविधाएं भी हैं। रश्मिका मंदाना के पास महंगी महंगी पेंटिंग्स और बेहद ही अच्छे और सुंदर लग्जरी डिकोर आइटम्स भी उनके घर पर मौजूद हैं। इसके अलावा उनका हैदराबाद और मुंबई में भी एक आलिशान घर है। रश्मिका मंदाना को लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है। यही वजह है कि एक्ट्रेस के पास 4 लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है, जिसे में 1 करोड़ तक की गाड़ी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना साउथ फिल्म इंडस्ट्री की बोल्ड ग्लैमरस अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार होती हैं। उनके पास 50 लाख की मर्सिडीज बेंज सी क्लास, एक 40 लाख की ऑडी Q3, एक टोयोटा इनोवा और हुंडई क्रेटा भी है। ये गाड़ियाँ बेहद ही शानदार है और एक्ट्रेस इन्ही से ट्रैवल भी करती हुई नजर आती है। रश्मिका मंदाना को ब्रांडेड हैंडबैग्स का भी काफी शौक है। रश्मिका के पास लाखों के पोस्टर्स का कलेक्शन भी है। उनका एक कमरा उनकी ब्रांडेड कपड़ों, ब्रांडेड पोस्टर्स, ब्रांडेड कलेक्शन वॉचेस से भरा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रश्मिका मंदाना एक फिल्म के लिए करीब 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती है। इसके अलावा उनका मंथली इनकम 30 लाख रुपए के करीब है। साथ ही साथ वो सालों में करोड़ों रुपए भी कमा लेती है। वेल दोस्तों, रश्मिका मंदाना एक आइटम सॉन्ग को करने के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करती है। रिपोर्ट की माने तो रश्मिका मंदाना की सालाना आय 5 करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसे में उनकी नेटवर्थ 35 करोड़ रुपए बताई जाती है। बता दें कि रश्मिका मंदाना ने चलो के साउथ फिल्म इंडस्ट्री से अपना डेब्यू किया था। इसी के साथ रश्मिका मंदाना ने खुद एक पार्टी, गीता गोविंदम जैसी कई फिल्मों में भी काम किया। वेल आज रश्मिका मंदाना कई फिल्मों में नजर आ चुकी है, लेकिन अपनी कुछ ही फिल्मों से एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने जमकर सुर्खियां बटोर ली थी। उनकी हिट फिल्मों की अगर बात करें तो उनमें गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड, भीष्म, सुल्तान और अब पुष्पा जैसी फिल्मों के नाम शामिल है। रश्मिका कर्नाटक की क्रश के नाम से भी काफी ज्यादा जानी जाती है। वेल सोशल मीडिया पर भी वो अक्सर अपनी बोल्ड ग्लैमरस अदाओं की तस्वीरें शेयर करती नजर आ जाती है। दोस्तों, जहां हम बात रश्मिका मंदाना के आलिशान घर की कह रहे हैं, तो वहीं अगर बात अब रश्मिका के पर्सनल प्रोफेशनल बात की जाए तो महज 4 सालों में ही रश्मिका मंदाना ने खूब नाम कमा लिया है। रश्मिका मंदाना ने अपनी फिटनेस पर भी खूब काम किया है। सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फिटनेस से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती नजर आ जाती हैं। खबरें हैं कि रश्मिका मंदाना ने अपने घर पर ही एक छोटा सा जिम भी बनाया हुआ है, ताकि वो जब कभी जिम ना जा पाए तब वो अपने घर पर ही वर्कआउट कर सके। वेल रश्मिका मंदाना के पास गोवा में भी एक आलिशान घर है। वेल दोस्तों, वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो रश्मिका मंदाना जल्दी ही 2 तेलुगु और 2 हिंदी फिल्मों में नजर आने वाली है। इनमें से रश्मिका मंदाना की तेलुगु फिल्मों की बात करें तो वो है पुष्पा 2 द रूल, जिसकी अनाउंसमेंट पुष्पा द राइज के साथ ही हो चुकी थी। इसके अलावा दूसरी फिल्म है अडावल्लू मीकू जोहरलू। हिंदी फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस मिशन मजनू और गुड बाय में नजर आने वाली है, जिसमें वो सिद्धार्थ मल्होत्रा और साथ ही साथ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करेंगी। वेल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि रश्मिका मंदाना के इन बोल्ड ग्लैमरस अदाओं को लेकर आपका क्या कहना है, और साथ ही रश्मिका के घर के बारे में आपकी क्या राय है। आपको रश्मिका मंदाना का ये आलिशान घर कैसा लगा? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।